देखो यार, Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक नया थीम चाहिए तो ये थीम ट्राई करो। अप्लाई करने के बाद पूरा फ़ोन का लुक चेंज हो जाएगा। आपको काफ़ी अच्छा आइकन देखने को मिलता है, आइकन पैक मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, जो कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको काफ़ी क्लीन और मिनिमल आइकन्स देखने को मिलता है। मोस्ट प्रॉब्ली सभी आइकन्स चेंज हो जाता है, कुछ आइकन्स ऑब्वियसली इसमें आपको मिसिंग देखने को मिलता है। फिर आपका बजट भी चेंज हो जाता है, गूगल का फोल्डर में जो फोल्डर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है और जो है आपका आइकन्स वॉल पर मैच कर रहा है और सेटिंग्स का यूआई भी मैच करेगा। कंट्रोल सेंटर भी जो सेम कलर के साथ देखने मिल जाता, तो देख सकते हैं आपको ऐसा कुछ ऑरेंज ब्राइटनेस और वॉल्यूम स्लाइडर देखने मिलता है। फिर आपका ऐप जो भी मतलब टॉगल्स को अनेबल डिसेबल किया जाए तो वो भी आपको कलर्स देखने मिल जाएगा। सेटिंग्स पर भी आपको चेंजेस देखने मिलता है, तो कुछ आपको ऐसा जो सेटिंग्स का टॉगल्स देखने मिल जाएगा। बैकग्राउंड आपको वही सेम वॉल पेपर देखने मिलेगा बट वाइट कलर के साथ। और अबाउट फोन में भी चेंजेस देखने मिल जाता है, साथ ही साथ आपको जो डिटेलिंग फोन स्पेक्स भी चेंजेस देखने मिलेगा, जो कि ऐसा कुछ यूआई चेंजेस सेपरेशन नया देखने मिलता है। और फिर आपको देखने मिलता है आपका मतलब डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में भी चेंजेस है ऑब्वियसली। और ये थीम लाइट मोड सपोर्ट करता है, डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आपको न्यू टाइप का टॉगल्स का जो है कलर्स देखने मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली ऑरेंज है। और पूरा आपको जो टॉगल्स और चेंजेस ऑरेंज और ब्लैक वाइट ये सब देखने मिले, तो अच्छा है। ओवरऑल आपको काफ़ी डिफरेंट लुक दे सकता है, डिफॉल्ट लुक है मतलब डिफॉल्ट यूआई बट लुक कुछ अच्छा है। एडिशनल सेटिंग्स में भी चेंजेस देखने मिल जाएगा। डायलर मैसेजेस ऐप चेंज होगा अगर आपका एमआईवे का डायलर और मैसेजेस ऐप है। गूगल डायलर मैसेजेस ऐप जो चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम स्लाइडर में चेंज होना चाहिए क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर चेंज हो चुका था, इसमें भी अगर होता ऑरेंज कलर का स्लाइडर्स बेटर होता बट नहीं हुआ। तो थीम अच्छा है, देखो ट्राई कर सकते हो। आइकन्स काफ़ी अच्छा लगा, चेंजेस भी अच्छा है यूआई का और लॉक स्क्रीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक के साथ देखने को मिलता आपको। ऐप देखने को मिल जाएगा, फेसबुक नहीं होना चाहिए था, बाकी तो ठीक है सब। इंस्टाग्राम गूगल सभी जो है नॉर्मल यूजर्स वाला है, फेसबुक कौन यूज़ करता है आजकल, तो वो भी देखने को मिलता है। व्हाट्सअप होना चाहिए था उस जगह में बट फेसबुक देखने को मिलता है। फिर आपको जो विजिट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, डे देखने को मिल जाएगा, तो आपको लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा सा देखने को मिलता है ऑन पॉइंट। बट अब जो हाइपर ओएस का लॉक स्क्रीन आ रहा था वो कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो उसका वेट करो। और थीम चाहिए जाओ सर्च करो और डाउनलोड करो ऑरेंज टोन। बताओ कैसा लगे थीम ऑरेंज टोन, आई होप आपको ये थीम पसंद आएगा। देखो यार थीम पसंद आया तो खोजने में टाइम लगता है, तो एक काम करो लाइक करो शेयर करो, ये काम तो करना बनता है। तो लाइक शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और ऐसा थीम सजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट रिलेटेड वीडियोज़ के लिए वेट करो। चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बस मिलते हैं।